राज्य सरकार बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, पौंग बांध तथा इसके आसपास के क्षेत्रों की निगरानी हो रही है सुनिश्चित। हिमाचल में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर हुआ दूसरा ड्राई रन। आईजीएमसी शिमला सहित प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में हुआ पूर्वाभ्यास। 11 जनवरी को पूरे प्रदेश में एक बार फिर वैक्सीन के अंतिम चरण का होगा ड्राई रन। लाहौल स्पीति जिला में भारी बर्फबारी के बाद केलंग में दो जगह और काजा में वैक्सीनेशन को लेकर चलाया गया ड्राई रन। इसका उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण व्यवस्था को बनाना है सुगम। हिमाचल में कोरोना मामलों में आई गिरावट। राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 56,160, वहीं 54,000 से अधिक संक्रमित हो चुके हैं ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 1100 के आसपास। कांग्रेस ने शिमला के हेरिटेज स्थानों पर बिना अनुमति के सरकार की उपलब्धियों के होर्डिंग लगाने को लेकर जताई आपत्ति। कांग्रेस ने इसे कोर्ट के आदेशों का बताया उल्लंघन। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक प्रदेश में मनाया जाएगा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह। इस दौरान प्रदेश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा संबंधी दी जाएगी जानकारी। रविवार को होने वाले नगर परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। प्रत्याशी घर घर जाकर मांग रहे हैं वोट। प्रदेश में 10 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों के दृष्टिगत चुनाव वाले क्षेत्रों में आज से 10 जनवरी तक शराब की बिक्री पर लगा प्रतिबंध। प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ। जनजातीय क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे। आगामी 14 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना।